यहाँ पे 1 कप सूजी लिया है, आप देख सकते हैं 1 कप से मैं थोड़ा ज्यादा ही कर रही हूँ, बच्चे लोग बार बार मांगते हैं। अब इसमें हम डालेंगे दही, आप खट्टी दही या फिर जैसा आपके पास दही हो आप इसका यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ फिर दही, 1 कटोरी दही में थोड़ा सा मैंने बचाया है, इतना यूज कर रही हूँ। इसी कटोरी से मैं पानी, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच चीनी, आधा चम्मच के करीब नमक, फिर इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दो मिनट सूजी को रखने के बाद देखिए सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक मिक्सी जार में ले लेंगे, बड़ा वाला मिक्सी जार मैंने लिया है, थोड़ा सा पानी डाल के मैंने कटोरी को धुल के डाल रही हूं मैं। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, आप देख सकते हैं मैंने ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद हम इसमें फिर गिरा देंगे इसको, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा फॉर्चून ऑयल 2 चम्मच के करीब, आप देख सकते हैं फॉर्चून ऑयल को इसमें हम मिला देंगे, फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे हम। चुटकी भर हम मीठा सोडा डाल देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे 1 से 2 मिनट तक, ऐसे ही हम मिक्स कर देंगे। अब देख सकते हैं ऐसे ही बैटर बनाना है, ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा हो, मैं आपको दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप। अभी हम खाली बर्तन लेंगे, इसमें हल्का हल्का फॉर्चून ऑयल लगा देंगे, अब इसको हम इसमें गिरा देंगे, थोड़ा सा हम मिर्चा पाउडर इसमें डाल रहे हैं ताकि देखने में भी सुंदर लगे और चटपटा बने नाश्ता। मैंने गैस पे कढ़ाई को रख दिया गर्म करने के लिए, देखिए पानी भी गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक खाली बर्तन रख रहे हैं जाली वाला, फिर इसको हम रख रहे हैं 10 मिनट तक, हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। आइए इसे चेक कर लीजिए, अभी हमारा हुआ नहीं है, 10 से 12 मिनट इसको रखने के बाद देखते हैं हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं देखिए पूरी तरह से हो गया है, मैं आपको थोड़ा सा और दिखा रही हूँ, देखिए एकदम पूरी तरह से हो गया है। अब इसको हम गैस को करते हैं ऑफ, आई जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको बर्तन से निकालेंगे। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद मैंने इसको काट लिया है, अब इसको हम अलग बर्तन में निकाल लेंगे। मैंने निकाल लिया है, 2 बर्तन में निकाला है, अब इसको हम हल्का फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन रख दिया है गर्म करने के लिए, अब इसमें हम हल्का हल्का फॉर्चून ऑयल लगा देंगे, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा
ओके, जो हमने बनाया है उसको हल्का फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने से टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। एक बार में जितना आटे उतना ही करना है, बस हल्का हल्का फ्राई करना है। ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। आप इसको सॉस या टमाटर चटनी के साथ खा सकते हैं आराम से। इसको हम थोड़ा पलट लेंगे, स्पंजी बना है इसलिए थोड़ा टूट रहा है। ऐसे ही बस एक से दो मिनट तक फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ऐसे हम दूसरा वाला भी डाल देंगे। इसके ऊपर भी हल्का हल्का तेल लगा देंगे फॉर्चून ऑयल। अब गैस को करते हैं ऑफ। इसमें हम थोड़ा थोड़ा केचप डाल देंगे ताकि अच्छा लगे देखने में और इसका टेस्ट भी बढ़ जाए। लीजिए, तैयार हो गया। लीजिए, तैयार हमारा सूजी का नाश्ता। आप देख सकते हैं